अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां करंट लगने से एक बिजली कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। उमरी गांव के पास काम करते समय कर्मचारी को करंट लग गया। अचानक लाइन में बिजली आने से करंट लगने की जानकारी मिली। परिजनों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत का ये मामला है, उमरी गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर काम करते समय कर्मचारी को अचानक से करंट लग गया। हालांकि इसमें बिजली विभाग की लापरवाही जो है वो बताई जा रही है। परिजनों ने यहां पर बिजली विभाग पर आरोप लगाए हैं अचानक लाइन में बिजली आने से, क्योंकि ये करंट लगा है। तो पुलिस भी मौके पर पहुंची, बातचीत जो है यहां पर की गई है, क्योंकि करंट लगने से मौत का ये मामला है। अब मृतक के परिजनों ने सीधे सीधे बिजली विभाग को इसका दोष दिया है। हमारे को सूचना मिली थी कि गौरव नाम का एम्प्लॉय है बिजली विभाग से, वो कहीं काम चल रहा था और दुर्घटना के दौरान उनको हॉस्पिटल में लाया गया, और यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब इसके संबंध में उन बिजली विभाग के अधिकारी आ रहे हैं, आगे परिजन भी आ चुके हैं, अभी देखते हैं आगे की सारी जानकारी और कारण और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। की बारिश जो है ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है जी, ये 10 बजे तक चलनी थी जी। हम 11 बजे वहाँ पे काम करने के लिए गए थे, मैं, कृष्ण और वो तीसरा लड़का जिनके साथ हादसा हुआ है। तो हमने पावर हाउस से उनसे फोरमैन से बात हुई, पावर हाउस से लाइन बंद करवाई, सारा कुछ है, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सारा कुछ है। लेकिन तो जब वो हादसा हुआ, पहले हमने काम किया थी उन्होंने, लेकिन जब वो हादसा हुआ, बाइक एक्सीडेंट हुआ, मैंने तत्काल तब फ़ोन किया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला, उनका बयान था वो शायद हमने गलत ट्रैली चला दी, कड़ामी चलानी थी और खेड़ी चला दी, ये ऐसे हादसा हुआ जी। तभी हम फटाफट जो भी थे उनको लेकर भाई को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे जी। वो जब भी किसी लाइन पे डिफॉल्ट होता है, लाइन मैन को भेजा जाता है, सबसे पहले लाइन मैन फोरमैन से परमिट लेता है लाइन का। जब तक फोरमैन उसको इजाजत नहीं देगा कि मेरे लाइन पे परमिट हो चुका है, लाइन कट हो चुकी है, उससे पहले लाइन मैन का ऊपर चढ़ना बहुत गलत है। तो इसमें यह तय होना चाहिए कि परमिट दिया गया या नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो लाइन कैसे लग गई, तो सबसे पहले जिम्मेवारी ये तय होगी कि परमिट हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो यह हादसा हो नहीं सकता, सबसे पहले तो ये। अगर फिर भी हुआ है तो वो जो परमिट लेने वाला फोरमैन है, कोई भी है, उसको सामने आना चाहिए, उसको अपने स्पष्टीकरण देना चाहिए।